हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर हम किस प्रकार से अपने अलार्म को सेट कर सकते हैं, उसके अंदर रिंगटोन वगैरह, उसके लेवल वगैरह, उसका नाम, ये सब आप कैसे चेंज कर पाएंगे या फिर मल्टीपल अलार्म आप कैसे सेट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देखोगे तो हमारे केस में यहाँ पे आपको एक वॉच देखने को मिलती है, क्लॉक देखने को मिलती है। आपके फोन में अगर क्लॉक देखने को नहीं मिलती तो आपको क्या करना होगा? सिंपल सा, आपको टू फिंगर से पिंच इन करना है और यहाँ पे विजिट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई भी एक क्लॉक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वाली क्लॉक चूज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारी स्क्रीन पर ऐड हो जाती है। ओके गाइस, ऐसे ही आप अपने फ़ोन के अंदर भी इसको ऐड करा पाएंगे। तो सिंपल सा हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके अलार्म आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका अलार्म है, वर्ल्ड क्लॉक है, स्टॉप वॉच है, ये सब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, ये सही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डार्क मोड में से निकलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ से हम लाइट मोड में स्विच हो जाते हैं। चलिए गाइस, अब हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम सिंपल सा जो हमारा अलार्म है, अलार्म ऑफ, मतलब सारे अलार्म अभी ऑफ हैं, यहाँ से हम इसको इनेबल कर सकते हैं। और प्लस करना चाहें तो यहाँ से हम प्लस करेंगे, एक टाइम जोन सेट करेंगे जो हमको टाइम लगाना है। यहाँ से डे सेट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और सारे दिन के हम इसको एवरीडे पे कर देंगे। इसका नाम डाल देते हैं हम, ठीक है, मॉर्निंग वर्कआउट लिख देते हैं यहाँ पे हम, जो भी मतलब आप जैसे भी डालें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मल। बाकी आप यहाँ पे इसका जो अलार्म साउंड है, ठीक है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कौन सा साउंड आपको लगाना है। ये तो एप्लीकेशन है, ठीक है, स्पॉटिफाई, इसमें आप जाके कोई भी एप्लीकेशन, मतलब स्पॉटिफाई हो गया या फिर गाना वगैरह, जो भी एप्लीकेशन है यहाँ से भी आप साउंड लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे वाइब्रेशन और यहाँ पे इसको हम स्नूज टाइम है, मतलब इसको हम कितनी देर बाद ये वापस से रिपीट होगा, ये 5 मिनट 3 टाइम्स, ठीक है, 5 मिनट में 3 टाइम रिपीट होगा, यहाँ से इसको हम सेव करेंगे। तो आप ऐसे अलार्म सेट कर पाएंगे अपने डिवाइस के अंदर। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आई होप कि आप अपने फ़ोन के अंदर अलार्म सेट करना सीख चुके होंगे। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।